ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। इन एक्सरसाइज 4.2 वी हैव टू अरेंज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर, लुक द नंबर लाइन। इन दिस लाइन 0 इज द मिडिल नंबर एंड द नंबर आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। So we can say 2 less than 3, 3 less than 4, and minus 2 less than minus 1, minus 3 less than minus 2. Now come to an ascending order. When algebraic expression with one variable, the exponent gradually increasing from left to right is said to be ascending order. जब भी algebraic expression के वेरिएबल्स की पावर जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही हो तो ये कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, वन के साथ वेरिएबल जो है कोई नहीं है, लेकिन अगर हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो जीरो, फिर माइनस टू एक्स, टू एक्स में एक्स की पावर क्या है, वन, फिर एक्स की पावर टू, थ्री एंड सो ऑन, ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ कम टू ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल द एक्सपोनेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज सेड टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट आपके नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपोनेंट की पावर डिक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, ए फोर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स, माइनस सिक्स के साथ वेरिएबल की पावर जीरो है, फिर प्लस फोर अपॉन ए स्क्वायर, ए की पावर यहाँ नेगेटिव है, ये माइनस टू कंसिडर की जाएगी, प्लस, तो माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस फोर, सो प्लस वन अपॉन ए फोर, ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, जिसमें पावर जो है डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। ओके, हियर आई हैव डन fifth part of question number 1. Question number 1 is here, arrange in ascending order. तो ascending order में arrange करना है minus 1 upon 2 a with respect to a, minus 3 upon 7 a 4 plus 1 upon 3 x y z plus 2 upon 5 a square. इस expression में देखिए सबसे कम lowest power कौन सी है, यहाँ पे a है ही नहीं, तो a की power का क्या consider की जाएगी, 0. सबसे पहले ये आ जाएगा 1 upon 3 x y z एंड देन माइनस वन अपॉन टू ए, ए की पावर वन आ गई यहाँ, प्लस टू अपॉन फाइव ए स्क्वायर, टू पावर आ गई, माइनस थ्री अपॉन सेवन ए रेस टू पावर फोर। पावर्स देखें आप इंक्रीज कर रही हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, सो इट इज असेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का टेंथ पार्ट किया है, आई हैव डन हियर, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है दिस ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट है 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स फोर प्लस फोर एक्स फोर। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी हाईएस्ट पावर जो है सबसे शुरू में रखनी है, ग्रेजुअली डिक्रीज होंगी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर फोर एक्स फोर है, फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, फिर पावर जीरो नाइन के साथ एक्स की पावर जीरो है, फिर माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू है, एट एक्स की पावर माइनस टू आ गई, एंड देन लास्ट में सबसे लोएस्ट पावर फोर अपॉन एक्स फोर, यहाँ पे माइनस फोर जो है वो इसकी लोएस्ट पावर है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट करना है लाइक दिस, पूरा फॉलो करते हुए इसी ऑर्डर्स को, इसी वीडियोस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन, एंड कॉपी वर्क के लिए आप इस वर्क को फॉलो कीजिए। थैंक यू।